स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि देखिए पहली बात तो एफआईआई की बिकवाली वापस जो कई दिन पहले पॉजिटिव हो चुकी वापस नेगेटिव हो चुकी है, और दूसरी बात अभी आने वाले 2-3 दिनों में जून के महीने में 6-7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है। अनुमान लग रहा है कि इन्फ्लेशन को लेके जो गवर्नर साहब की कॉमेंट्री रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वापस कोई 40-50 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट हाइक आती है तो इसमें डेफिनेटली मार्केट्स को काफी थोड़ा सा सेंटिमेंटल नेगेटिव इफेक्ट आएगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स में ऊपरी लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन निचले लेवल पे होपफुली हम 16,000 का लेवल मेंटेन करते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा फोकस करेगा। कहीं ना कहीं अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो मेरे ख्याल से जो मैक्रो नंबर्स है जो यूएस से आ गए हैं प्लस जो हमारे नंबर्स आएंगे, मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा। और आरबीआई की पॉलिसी में अगर कोई डोविश कमेंट्री आती है और रेट्स अगर चेंज नहीं होते हैं तो मार्केट्स को थोड़ा सा और उछलने में मदद मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा वोलेटिलिटी आरबीआई के पॉलिसी के पहले तक रहेगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस करना चाहिए। अब ऐसे बाजार में हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो अविनाश जी, तो कौन से स्टॉक में आप स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? स्वाति, देखिए आज जो जो थीम चला है बाजार में डिफेंस, हमको लग रहा है कि ये थीम आने वाले दिनों में भी अच्छा चलेगा। और अगर 8 से 10 दिन का कोई नजरिया रखता है तो मुझे लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL एक बहुत अच्छा विकल्प है शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 236 का रेट है, यहाँ पे करीबन 266 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। यहाँ पे 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये स्पेस में हमको लग रहा है कि काफी ज्यादा बाइंग आगे भी आएंगी, क्योंकि आंकड़े जो आएंगे जून क्वार्टर के वो भी काफी दमदार होने की अपेक्षा है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इनको स्टॉक होल्ड करना चाहिए। देखिए टू व्हीलर के नंबर्स अभी जो इस महीने के आ गए हैं थोड़े से नरम जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस साल अगर बारिश अच्छी होती है, रूरल डिमांड अगर पकड़ता है, तो डेफिनेटली टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर कॉर्प जो मार्केट लीडर है इसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। इनको कम से कम 6 to 8 months का नजरिया रखना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करिए, और होपफुली मुझे लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ FY23 होगा वो कम से कम पहले फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ मानसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है डिमांड के लिए, और ये अगर अच्छा रहता है तो हीरो मोटर कॉर्प में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आगे बन सकता है। इनफैक्ट देखिए ये बेसिकली एक अहमदाबाद बेस्ड थ्री व्हीलर वाली कंपनी है जो बेसिकली थ्री व्हीलर बनाती है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में अभी तक कोई बैलेंस शीट पे कर्जा नहीं है, अपना कैश फ्लोज वो अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि अभी थ्री व्हीलर मार्केट में डिमांड ट्रेंड थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर चल रहा है, तो मेरा तो मानना है कि अगर ये 6-12 महीना वेट करते हैं तो डेफिनेटली जिस प्रकार से पैसेंजर कार्स में रन रेट बढ़ा है, कमर्शियल व्हीकल्स में रन रेट बढ़ा है, तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी ग्रोथ आएगी। इनको कम से कम 6 to 12 months का टाइम फ्रेम रखना चाहिए, हो सके तो थोड़ा सा करंट प्राइस पे ये एवरेज भी करे, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है, और जैसे ही डिमांड पिकअप होगा इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। थोड़ा सा इंतजार करे, लेकिन डेफिनेटली अगर हो सके तो एवरेज करके अपना कॉस्ट कम करे। देखिए मुझे लग रहा है कि सारे जो रेस्टोरेंट्स का जो सेगमेंट है वो बेसिकली एक अनलॉकिंग थीम है, और मुझे लग रहा है कि स्वाति यहाँ पे निवेशकों ने अच्छा प्राइस पॉइंट में एंटर किया है, यहाँ पे जरूर इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाला साल दैट इज FY23 बोथ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, अगर कोविड में कोई बढ़ोतरी होती नहीं है और बिजनेस नॉर्मल होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी अच्छी रिरेटिंग होगी, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 20% की अपसाइड स्टॉक में पॉसिबल है, तो नंबर्स तो अच्छे आएंगे लेकिन और भी अपसाइड के लिए जगह है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है। यहाँ पे इस लेवल पे बिकवाली ना करें। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स भी QSR स्पेस में एक मार्केट लीडर है, और हमने देखा है कि अभी हाल ही में इनका नया जो CEO अपॉइंट किया है वो एक्स अमेजोन का अमेजोन में पहले काम करते थे, तो कंपनी वापस एग्रेसिव मोड में आई है। हालांकि हमको लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का अभी कोविड का सिनारियो था तभी बाहर का डायनोट बिजनेस बहुत ही खराब हो चुका था, लेकिन अगर अभी नॉर्मल सी वापस आ गई है और अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो मैं समझता हूँ कि QSR के बिजनेस में ग्रोथ अच्छे नंबर्स कंपनी को प्रेजेंट करेगा, कम से कम 25-30% की रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन भी इम्प्रूव होने की अपेक्षा है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे खरीदा है, बट अगर ये 6 से 12 महीने वेट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 750-800 रुपया का एक इमीडिएट नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो तभी इंतजार करें और तभी हो सके तो थोड़ा मुनाफा वसूली ये कर सकते।
यहाँ पे भी स्मृति मैं समझता हूँ कि देखिए क्यूएसआर स्पेस ऐसी स्पेस है जो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। पिछले 5-10 सालों में जो क्यूएसआर का सेगमेंट यू बड़ा है वो क्लियरली ये बात को दर्शाता है कि अभी बाहर खाने पीने की जो क्यूएसआर के जो प्रोडक्ट आइटम्स है वो बहुत अच्छी तरह से तेजी से चले, और इसका क्लियरली एग्जाम्पल है कि इंडिया में जो यंगर पॉपुलेशन वाले लोग हैं ये सेगमेंट को ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल भी मैं ये कहूँगा कि ये बेसिकली एक वेल नोन ग्रुप है, वरुण बेवरेजेस इनकी पेरेंट कंपनी है, और जिस प्रकार के इन्होंने नंबर्स डिक्लेयर किए Q4 FY22 के लिए ग्रोथ नंबर्स आने वाले साल के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। पिज्जा हट एज वेल एज जो उनके दूसरे ब्रांड्स है KFC बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ आएगी, तो थोड़ा इंतजार करिए। इसमें हमको लग रहा है कि 225-230 का एक टारगेट बन सकता है प्रोवाइडेड यहाँ पे करीबन 12-15 महीने का अगर टाइम फ्रेम इन्वेस्टर। देखिए शारदा एनर्जी और मेटल बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है, और जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स मेटल सेक्टर में दिख रहे हैं, हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत ऊपरी लेवल पे कमजोरी दिख रही है क्योंकि मेटल के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इनको डिमांड का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर कोई भी अपसाइड में ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इसको सेल ऑन राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे निकल जाना चाहिए। अगर किसी को मेरे ख्याल से दूसरे कोई सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट्स या कैपिटल गुड्स ऐसे सेक्टर्स है जो आपको अगले 6-12 महीने में मेटल सेक्टर के मुकाबले में अच्छा पैसा बना के देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाए और कोई दूसरी कंपनी में जैसे महिंद्रा है, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स में भारत पहुंच जाए, ये कंपनीज काफी अच्छी विकल्प लग रही है, तो यहाँ पे निवेश करिए और अपना जो भी नुकसान है वो आप कवर कर सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये सारे जो न्यू एज वाली कंपनियां है स्वाति, इसमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि देखिए ये सस्ती कंपनियां नहीं है। हालांकि इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ा B2B प्लेयर है, एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल है इनका, बट इस लेवल से मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़ोतरी आएगी नहीं। इनफैक्ट कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से अगर ये बायबैक में अपना शेयर देना चाहते हैं तो वहां पे दे सकते हैं, वहां पे कम से कम इनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। कितना एक्सेप्टेंस रेशियो निकलता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ऊपरी लेवल पे अगर ये स्टॉक चलता है तो इसको निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लेवल से कोई बड़ी अपसाइड आएगी एटलीस्ट इन द नियर टर्म लग नहीं रहा। देखिए स्वाति फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हमने काफी फार्मा कंपनीज के नतीजे देखे हैं, काफी खराब नंबर्स आ गए, तो यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि लॉस में मत बुक करिए। ये कंपनी में भी पोटेंशियल जरूर है, लेकिन जिस प्रकार का मॉलिक्यूल बिल्डअप ये बना रहे हैं, जिस प्रकार का इनका मार्केट स्ट्रेटेजी है, इस सब को नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में शायद आपको 6-12 महीने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी भी होल्ड करिए, कम से कम एक 8-12 मंथ्स का नजरिया रखिए। कंपनी अच्छी है लेकिन हो सकता है कि एक आध क्वार्टर के लिए थोड़े से मार्जिन दबाव में आए। अगर साल भर का नजरिया है तो हो सकता है कि आपको अपनी बाइंग प्राइस और उसके ऊपर थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा, तो कंटिन्यू टू होल्ड। मुझे लग रहा है कि स्वाति देखिए अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए आने वाले 3-6 महीने बहुत ही दमदार आएंगे। इसका एकमात्र कारण है कि क्रूड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमने जरूर देखी थी, लेकिन जब तक क्रूड $110-$112 तक भी रहता है तब तक ONGC और ऑयल इंडिया को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट ये कंपनीज को एक विंडफॉल गेन आने की अपेक्षा है आने वाले 3-4 महीने के लिए, तो यहाँ पे कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ONGC हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा तो यहाँ पे तो होल्ड करें। ऑयल इंडिया में भी ऑयल बढ़ता है तो इनका मार्जिन्स में डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेंसी आएगी, तो दोनों स्टॉक्स में होल्ड करिए, जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि आपको 3-6 महीने में और कम से कम 15-16% की अपसाइड ये दोनों शेयर्स में देखने को मिले, तभी शायद मुनाफा वसूली का समय। स्वाति लंबी हमने एक ऐसी कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है, काफी सेक्टर्स को केटर करती है, और कंपनी का नाम है दीप पॉलीमर्स लिमिटेड। अभी ये कंपनी 2004 से इनकॉर्पोरेट हुई है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली एंटी फिलर मास्टर बैचेस है जो बेसिकली टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, पैकेजिंग और इरिगेशन जैसे सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स में जाते हैं। इनफैक्ट 50% का जो इनका बिजनेस है वो फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर सेगमेंट से आता है, 35% करीबन SGP पाइप्स और PVC पाइप से आता है, और करीबन 15% पैकेजिंग से आ रहा है। हमको इस कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ये तीनों से जो एंड सेक्टर्स है वो काफी अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम दिखा रहे हैं और आने वाले साल में भी अच्छा ग्रोथ करेंगे। पिछले साल कंपनी ने करीबन 138 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल बहुत कम था, करीबन 2 करोड़। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल ग्रोथ और काफी स्ट्रांग आएगा। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी करीबन 175-180 करोड़ की रेवेन्यू और करीबन 16-17 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी, और उसके बाद एक कंपनी एक एक्सपांशन भी कंपनी कर रही है। गांधीनगर में ये करीबन एक नई फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ पे ये स्पेशलिटी मास्टर बैचेस करेंगे, और ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, काफी कम कंपनीज इसमें है, तो मुनाफा और मार्जिन भी काफी अच्छा रहेगा। 35 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कंपनी ने कंप्लीट किया है, दिसंबर में प्लांट चालू होगा, और हमको लग रहा है कि इसका फायदा आपको अगले साल दैट इज FY24 में देखने को मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो हमको लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो कम से कम 290-300 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली ऐसे खराब बाजार में यू नो वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर खरीदना चाहिए।